नमस्ते, मैं मेघा गंगराड़े फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। आप आसनों की प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आपको आसनों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाई बीपी में आसन कैसे किए जाते हैं, उनका क्या सिक्वेंस होता है। आज हम देखेंगे कि हाई बीपी के लिए प्राणायाम कौन से करने चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओम चैंटिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे बैठ सकते हैं, वज्रासन में, पद्मासन में, आलती पालती मारकर। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फर्स्ट स्टेप करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। पहले धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, श्वास लेते हुए जितने हाथ स्ट्रेच हो उतना करना है। आंखें बंद रखनी है, धीरे से श्वासों को छोड़ते हुए वापस आना है। हम इसे एक और बार करेंगे। धीमे धीमे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे से आना है वापस। अब हम करेंगे इसका दूसरा स्टेप। धीरे से हाथों को सामने की तरफ लेकर आना है, उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ कर रखना है, हाथों को पीछे लेकर जाना है श्वास लेते हुए, गर्दन हल्की सी ऊपर, धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। आंखें बंद रखनी है, धीरे से फिर से हाथों को पीछे लेकर जाना है, गहरा लंबा श्वसन करना है, फिर धीरे धीरे आना है हमें वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। आप चाहें तो हर एक एक्सरसाइज के बाद डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिर हमें नमस्कार मुद्रा बनानी है। दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर की सीध में लेकर आना है, जितना आपका चेस्ट एक्सपांड हो सकता है उतना करना है, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। एक और बार करेंगे हम इसे। श्वास लेते हुए हाथों को पीछे लेकर जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे से आना है वापस। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का चौथा स्टेप करेंगे। हाथों की उंगलियों को इस तरह से शोल्डर पर रखेंगे, दोनों एल्बोस सामने से मिलाएंगे, श्वास लेते हुए एल्बोस को पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए आएंगे हम वापस। फिर हमें इसे एक और बार करना है। हाई बीपी वाले अधिकतर वो एक्सरसाइज करें जिसमें उनका चेस्ट एक्सपांड होता है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब हम करेंगे इसका पांचवा स्टेप। फिर से हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से हमें आना है वापस। फिर से श्वास लेते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है, फिर धीरे से हाथों को श्वास छोड़ते हुए हम लेकर आएंगे वापस। अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वसन करेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। अंगूठे के दोनों पास वाली उंगलियों को फोल्ड करेंगे, प्रणव मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे को रखेंगे राइट नोस्ट्रल मतलब दाई नासिका बंद करेंगे, बाई नासिका से श्वास लेना है, फिर रिंग फिंगर से बाई नासिका बंद करेंगे और दाई नासिका से श्वास बाहर करनी है, वापस दाई नासिका से हम श्वास अंदर लेंगे, अंगूठे से दाई नासिका बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास को बाहर करेंगे। ये हमारा एक राउंड होता है अनुलोम विलोम का। इसी तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें 21 राउंड करने हैं कम से कम, और दिन में 4 बार अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो आपको हाई बीपी में बहुत फ़ायदा होगा। आप सुबह उठकर कर लीजिए, 11-12 बजे दोपहर में कर सकते हैं, फिर शाम में 5-6 बजे कर लीजिए, उसके बाद जब आप सोने जा रहे हैं तो सोने जाने के पहले आप करिए अनुलोम विलोम।
बिल्कुल आराम आराम से आपको श्वास लेनी है, आराम आराम से श्वास छोड़नी है। बिल्कुल करते टाइम आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी श्वासों की। धीरे धीरे हमें बाई नासिका से श्वास लेनी है, दाई से बाहर करनी है, फिर दाई से वापस श्वास अंदर लेनी है और बाई से बाहर करनी है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप अनुलोम विलोम की शुरुआत करते हैं बाई नासिका से ही आपको श्वास लेनी है, और जब आप ख़त्म करते हैं तो बाई नासिका पर ही आपको ख़त्म करना है। धीरे से आएंगे हम वापस, एक दो बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे, इनहेल करेंगे, वापस से इनहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे करेंगे हम वापस से इनहेल। ओम शांति 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 ही। धीरे से हम दोनों हाथों को रब करेंगे, हथेलियाँ गर्म होने पर हम इसे लगाएंगे चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर, और पीछे हाथों को बांध कर इस तरह से हम धरती माता को प्रणाम करेंगे। भाई हम धीरे से वापस। इन सभी आसनों को करने से आपकी आर्टरीज फ्लेक्सिबल रहेगी, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो उम्मीद है कि आप हमारे इन आसनों की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो हमें ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तब तक स्वस्थ रहें, निरोगी रहें।